जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, मैं मुरली मनोहर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रात की रामपद, और रात में रामपद किस प्रकार से जगमगाता है वो चीज़ दिखाएंगे। अभी हम निकले हैं लतमेज चौक से और यहां से सीधे चलने वाले हैं और आपको दिखाएंगे। और अभी हम यहां से सीधे हनुमानगढ़ी से होते हुए आपको राम जन्मभूमि पथ मार्ग से सीधे चलते हुए लेके चलेंगे आगे और दिखाएंगे क्योंकि आपको किस प्रकार से आपका रामपद रात में जगमगाता है नाइट में। तो अभी तो बहुत बढ़िया मतलब देखने को मिलता है हमें रात में कि जो लाइटिंग है वो दोनों तरफ की बहुत बढ़िया की गई है। और जो इस समय अच्छा एक चीज़ और है, मतलब आपके जो बीच में पोल्स लगाए गए हैं उसकी लाइटिंग भी की, और एक तो मतलब बीच में से जो कस्टमाइज लाइट होती हैं आपका कई कई सिंबल्स वाली वो भी लगाई गई, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। देखिए एक जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा ये वाली, ये भी लाइट बढ़िया आपको हमें देखने को मिलती है। ऐसे करके मतलब पूरा आपका लगाया गया है पूरे राम पथ, मतलब आपका राम पैड़ी कह रहा हूँ भाई, का जन्मभूमि पथ तक ऐसे सीधे चलते चले जाएंगे। ये जो ऊपर लगा है ना बीच में ऐसे सेम ऐसे है पूरा, तो वो भी बढ़िया दिखता है। अभी देखो इस समय क्या है कि बसेस जो भी हैं वो चालू हो चुकी हैं जो कि आपका मेन यहाँ पर चल रही है, क्योंकि क्या है ना मतलब इससे पहले भी नहीं चल रही थी तो इधर वाले रोड पर बंद किया था, वो अभी आपका चलने लगी है प्रॉपर, और वो भी हमें देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया काम किया, वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसी वजह से नहीं चल रही थी, और अभी तो हमें देखने को मिल गई। अभी ये रात के लगभग आपका 9 बज रही है और उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और रात की अयोध्या कितनी खूबसूरत लगती है वो चीज़ तो हम देख ही रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई आप आना, जब भी आओ तो रात की अयोध्या ज़रूर देखो। रात में अयोध्या में आप घूमोगे ना आपको एक अलग एनर्जी यहाँ पर महसूस होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक चीज़ बहुत बढ़िया किया है जो कि मैं आपको बताऊं, जो आपका डिवाइडर है वो चीज़ पे लाइट जी भी लगाया गया देखिए बीच में, जिससे कि लाइट रात में चमकता है और रेडियम वाली लाइट जो होती है। और उसके बाद का यहाँ पे आप इस साइड में देखो आपका जो फुटपाथ एरिया है यहाँ पे पूरा लोहे की ग्रिल लगा दी गई है, ये भी बहुत अच्छा किया गया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि मतलब लोग उस ग्रिल के उस साइड रहें जिसे ट्रैफिक भी ना हो, क्योंकि लोग जो चलते हैं आधी रोड कवर कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है ना फिर भी मतलब लगाया तो है लोगों के लिए ही, लेकिन कुछ लोग हैं मतलब कुछ लोग क्या भाई देखो आधी से ज़्यादा पब्लिक जो है ना वो भी रोड पर ही चलती है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और क्योंकि देखो वहाँ पर क्या है ना कि मतलब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो दुकान भी हैं तो इस वजह से। और ये है आपका देखिए श्री हनुमानगढ़ी क्योंकि सामने ये भक्ति पथ मार गया, इसके बाद अभी हम देखेंगे आपका मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे रात का भक्ति पथ मार्ग, और अभी तो हम रात का राम पैड़ी रामपथ मार्ग देख रहे हैं नाइट व्यू रामपथ का, तो वो चीज़। और अभी हनुमानगढ़ी की बात करें तो वो अभी आप देख सकते हैं वो है हनुमानगढ़ी, आपको देख रहा है थोड़ा सा ऊपर रेड कलर का वो वहाँ पर। और अभी हम सीधे यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस साइड में अभी थोड़ा भीड़ क्या है ना रात है 9 बज रही है तो इस समय भीड़ कम है थोड़ा, और अदरवाइज़ में तो अभी मतलब दोपहर में और सुबह टाइम में आएंगे तो आपको मतलब ये रोड तो खाली ना ही मिले आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। इसी वजह से प्रॉपर अभी रात में भी बस भी मुझे लग रहा है चल रही है सीधे यहाँ पर। और बाकी हम कल जब से दिन में का आपका वीडियो शेयर करेंगे तो आप वहाँ से देखेंगे आप, तो फिर आप बताना। और अभी यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ बहुत बढ़िया है इस समय प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है जो कि आपका अयोध्या में आपका दिन में होता है। और यहाँ पर देखिए अभी हम जन्मभूमि पथ के सामने से जस्ट निकलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए भीड़ कितनी है इस साइड में, और हो भी क्यों ना यहाँ से इस राम मंदिर जाया जाता है। एक भक्ति पथ से मार्ग है और एक आपका जन्मभूमि पथ मार्ग है यहाँ से जो कि राम पथ से, देखिए यहाँ से जाम किया हुआ है रोड, यहाँ से एंट्री के लिए बनाया है देखिए आप यहाँ। और ये है आपका जन्मभूमि पथ मार्ग, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा देखिए यहाँ, और मैं आपको पूरी फुल डिटेल लेकर आने वाला हूँ वीडियो, कैसे जाएंगे कहाँ से जाएंगे कैसे सब चीज़ दिखाएंगे हम आपको। तो बाकी जितने लोग हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। बाकी आगे का अभी हम चलते हैं लेके और दिखाते हैं, मतलब बढ़िया बनाया देखिए यहाँ से व्यवस्था भी एक नंबर की गई है, और यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य चलता है इस समय। अभी यहाँ पे देखिए दुकानें भी चालू कर दी गई, और अभी आगे यहाँ से देखिए और आपका जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है अयोध्या धाम जंक्शन
ये वाला है यहाँ, ये देखिए ये है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं आगे और आपको टेढ़ी बाजार तक, टेढ़ी बाजार तक मतलब गुरु वर्ष चौराहा, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था, वहाँ पे लेके चलते हैं और उसके बाद वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे आपको। बहुत खूबसूरत व्यू वहाँ का देखने को मिलता है हमें। और देखिए कुछ कुछ लाइटें जो हैं वो अभी मतलब जल रही हैं और कुछ कुछ मतलब नहीं है, जैसे कि भी समय यहाँ पर रात में आ गया, देखो यहाँ मतलब फ्यूज टाइप का हो गई होंगी। और ये भी ये चीज़ देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर जो सारा कर दिया गया है, अंडरग्राउंड वायर है पूरा जो भी आपकी लाइन की गई है यहाँ पर। और अभी अभी हम कुछ देर में पहुँचेंगे टेढ़ी बाजार आपका गुरु वशिष्ठ चौराहा। और एक ये गेट यहाँ पे बनाया गया, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए एक लग्जरी बस यहाँ पे खड़ी हुई है, दर्शन करने के आए होंगे यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम सीधे आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि मैं बता रहा था देखो मतलब ग्रिल का पूरा आपका लगा है फुटपाथ पे, मतलब ऐसे करके आपको पूरा देखने को मिल जाएगा आगे तक, मतलब आपका रामपथ पे जितना है ना ऐसे करके पूरा बना दिया गया। ये बढ़िया भी है कि लोग उस साइड में रहें, लेकिन लोगों का क्या है वो अपना चलते हैं इस साइड है। और एक चीज़ और कमी क्या है कि मतलब लोग जो हैं वो अब गाड़ियाँ भी मतलब फुटपाथ पर खड़ी करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा जाम भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ठीक है, फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं आपका गुरु वशिष्ठ चौराहे पे, और जो कि यहाँ पे जो कि आपका सबसे बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ की भी लाइटिंग बहुत बढ़िया की गई है। और एक चीज़ और जो कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जो आपका बना है ये रेलवे स्टेशन का रास्ता, यहाँ से भी जाते हैं, ये बहुत पास पड़ता है यहाँ से भी। और ये देखिए ये आपका पार्किंग एरिया सबसे बड़ा वाला, और ये जो बना है ना यहाँ से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको राम मंदिर दिखेगा। ये आप नेशनल हाईवे से आप चलते चले आएंगे, ये आपका एक पड़ता है, ऊपर से चढ़ेंगे ना तो वहाँ से आपको राम मंदिर दिखता है, पूरा दिखेगा आप उस साइड से। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने कई ब्लॉग में दिखाया है, हमारे पुराने भाई होंगे वो सब देखे होंगे। और यहाँ पे ये देखिए, और जो आपका इस समय श्री राम रसोई है, सबरी रसोई बहुत फेमस है, वो यहीं पे है, देखिए आप सबरी रसोई, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हुई थी। अभी यहाँ से हम लेके चलेंगे आपको उद्या चौराहे तक, क्योंकि पचकोसी परिक्रमा मार्ग, और वहाँ तक लेके चलेंगे। और यहाँ पे देखिए लाइट जो है वो अभी यहाँ पे लाइटें बंद हैं पोल की, मेरे आई थिंक ख़राब हो गई होंगी या कुछ फ्यूज़ हो गई होंगी। अब भाई इलेक्ट्रिक है, मतलब मशीन ही है एक तरह से इलेक्ट्रिक है, तो जायज़ है कि ख़राब हो सकती है। और उसके बाद अभी यहाँ पर देखो आगे सही भी है, अभी हम आगे यहाँ से साकेत स्कूल के सामने से, साकेत महाविद्यालय जस्ट सामने से अभी हम गुजरते हुए। और पार्किंग के लिए ये भी बढ़िया स्थान बनाया है आपका, थोड़ा थोड़ा करके राम पथ पर मतलब छोड़ा गया है पार्किंग का, जिससे मतलब बस स्टैंड टाइप का बनाया गया है, आपको जो बस यहाँ पे चल रही है और मतलब स्टॉपेज बनाया गया है स्टॉप टाइप का, वो चीज़ आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और बाकी हम यहाँ से भी पहुँचने वाला, देखिए रानोपाली चौराहा यहाँ पे क्रॉसिंग जो पड़ती है, रानोपाली क्रॉसिंग, और ये रानोपाली क्रॉसिंग अक्सर हमें जाम देखने को मिलता है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा, रात का टाइम है तो जाम तो मुश्किल ही है देखने को मिले। और उसके बाद देखिए क्रॉसिंग ये है, यहीं पे जाम लग जाता है पूरा। अभी हम यहाँ से सीधे चलते हुए आगे बढ़ते हैं और लेके चलेंगे आपको लोग। ये है रानोपाली क्रॉसिंग, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से सीधे बढ़ते हुए हम लेके चलेंगे आपको उद्या लोग। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उदया चौराहा, और उदया के पास का जो व्यू है वो भी हम दिखाएंगे, नाइट व्यू।
और यहाँ पे अभी रामोत्सव जो चल रहा था वो 18 तारीख तक था, क्योंकि अभी इस समय समाप्त हो चुका है और अभी हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जो लाइटें जो लगी हुई हैं ये सब सारी बंद है भाई इस समय, मतलब यहाँ पे सारी लाइटें बंद है। और ये जो कार्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी शायद सब सीएनजी वाली हैं, यहाँ पेट्रोल टंकी है तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब सीएनजी वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो ऐसे लाइन से लग जाती हैं और आई थिंक मेरे उसमें टाइम लगता होगा फ्यूलिंग पे, तो इस वजह से। और वो देखिए, और ये है उदया चौराहा, अयोध्या आगमन में आपका स्वागत है। और ये जो फ्लाईओवर जाता है ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही, और यहाँ तक ही मैं दिखाने वाला था, और बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।